stick. नाखून लगा था जो अब तक उसको माँ अटैक से मरी हुआ वो 4 बजे और दिन में उसका निकलना नामुमकिन है मुश्किल है ज़्यादा मैं रात में शिकार और सर्च लाइट में अगर ऑपरेशन करें ना इन्हों वो भी अच्छा होने के चांसेस है जब वो सामने से भागे तो की इन्हें चुप बोले गलती अगर इन्हों मालूम है वो शूट करते तो सामने शायद भारी मजा आता नहीं लाइव में सर किधर डॉग है क्या देखो डॉग के ऊपर हमारा फोन से चलेगा आप चला वो पीछे अटेंड वो जस्ट मागे अब इधर है बराबर और ये डिफेंस में हमारा दूर के समझ में नहीं ए दादा 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 बाकी से बोल रहा है ये तरह इधर स्कैन मान रिकॉर्डिंग होता है नथिंग इन दैट साइड अनिकेत हमारे जो कपड़े हैं वो बैंगलोर में सर तो समझो आप लेपर्ड के कपड़े पहन के बैठे गए उधर वो बोलेगा नहीं आप लेपर्ड नहीं आप इंसान है सर तो खाली जब लेपर्ड मिलेगा तभी वो सर्कल करेगा सर ये बुशेस वगैरह ये पूरा पूरा क्लीन जर्विस एंटोनी सोलानो सिंपल्स एकडे साइड पर रे ओए साइड फेसबुक फ्रेंड सर्कल है ते गल कुठे गेलो तू ऑल अबाउटमध्ये घाला नाहीतर लावशील आमची वाट ते ऑल अबाउट पे डाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज भी पूरे शहर में तेंदुओं का मौजू ही सर फहरिस्त रहा, लिहाजा आज यहाँ हम गोल्फ ग्राउंड में मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं अब यहाँ पर दो कई टीमें तेंदुओं को तलाशने के लिए अंदर जा चुकी हैं, लिहाजा दूसरे लोगों को अंदर जाने की ममानियत है। लेकिन ये मसला ज़रूर है कि आज का MLA बेनगे साहब ने भी कहा कि आज किसी हाल में उसे पकड़ा जाएगा, लेकिन क्या वाकई पकड़ा जाएगा या नहीं ये भी आज भी इस बात पर चर्चा जारी है। लिहाजा देखते हैं कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है। आज हाथी को भी लाने की बात MLA बेनगे साहब ने कही है, तो क्या वाकई आज के दिन पकड़ा जाएगा ये भी एक सवाल है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो अभी 20 दिन से जो तेंदुआ गिरफ्त में नहीं आ रहा वो हो सकता है कि 2-3 दिन की कोशिश के अंदर वो जो है गिरफ्त में आ जाए, उम्मीद यही कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह शाम तक तो ये इसके अंदर सक्सेस नहीं हुई, इसीलिए बेंगलोर से एक एक्सपर्ट टीम आई हुई है जिनके पास 2 ड्रोन है जो 2 IR ड्रोन करके जी। लेकिन यहाँ समस्या सुबह से ये हुई कि उसको डिफेंस का परमिशन नहीं मिला क्योंकि ये रेड जोन एरिया है जहाँ की इसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस से मिलता है, लेकिन वो जो लड़का है वो डिफेंस का उसको परमिशन है, लेकिन फिलहाल आज सुबह से कोशिश होने के बाद अभी भी उसको परमिशन नहीं मिला, इसीलिए हम लोगों ने उसको ड्रोन का जो है कैमरा निकाल के उनको अभी 2 अधिकारी 2 ये लोग एक्सपर्ट लोग अभी अंदर गए कि 2 किलोमीटर तक ये रेंज ले सकता है ये जो कैमरा है। और वो कैमरा ऐसा है कि जो स्पेसिफिक जो ये है आपका तेंदुआ
तेंदुआ को ही आइडेंटिफाई करेगा, दूसरे कोई से भी जानवर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर। वो ले के अभी अंदर गए, अभी एक घंटे के अंदर वो फिर वापस आएंगे, क्योंकि वो जो डिस्टर्ब होता है तेंदुआ, जब ज़्यादा लोग जाएंगे अंदर तो डिस्टर्ब होता है, इसीलिए वो बाहर नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने किसको भेजे नहीं, दो अधिकारी, दो ये टेक्नीशियंस, चार लोग ही अंदर अभी गए, इसीलिए अभी एक घंटे तक इसके बारे में समझता है। लेकिन दूसरे अल्टरनेटिव हम लोगों ने जो हत्ती को लाने का था, वो अभी वहाँ से शिमोगा से ऑलरेडी हत्ती लोड हो गई, शाम तक वो हत्ती भी आएंगे, शाम तक ये नहीं मिल गया तो हत्ती आएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जनता जो लोग यहाँ घूम रहे उसकी वजह से भी वो नहीं भाग, उसको एक डर पैदा हो गया, इसीलिए ऐसा इनकी सबकी सोच है कि अधिकारी लोग रंजे, एक्सपोर्ट रंजे, ज़्यादा यहाँ माहौल ज़्यादा लोगों का बनाने से, हाँ क्राउड बनाने से ये बाहर नहीं आएगा, इसीलिए उसके बारे में भी अभी एक घंटे के बाद उसके बाद सोचेंगे। जब तक ये अभी जो अंदर गए एक्सपर्ट लोग, जो तब बाहर आते नहीं तब तक इसके बारे में क्या बोलना गलत है, लेकिन उसके पास जो कैमरा हमने देखा है वो ऐसा है कि वो जो हड्डी दिखाता है कौन से प्राणी का कौन सा हड्डी, लेकिन इसके अंदर तो उन्हें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि जो तेंदुआ को आइडेंटिफाई करेगा, और वो भी हमारा देश भारत देश का तेंदुआ ऐसा है उसका, तो ऐसा अच्छा हाई डेंसिटी कैमरा जो अंदर भेजे है उसके साथ लोग भी नहीं है, इसीलिए एक घंटा भी इंतजार करेंगे, वो जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद और निश्चित। कल डीएफओ भी अंदर गए, कल कुत्ते लाए आज हत्ती ला रहे हैं, अरे वो तो पक्का हुआ था, लेकिन कुत्तों का क्या था, वो गाउटी कुत्ते बोलते उसको, जो खाना नहीं जंगली वो खानापुर में जो अंदर जंगल में रहते, तो जिनको इसके इनके साथ रह के आदत है वो लोगों को कुत्तों को लगाए थे, लेकिन ये भी काम नहीं आया। अभी ये आखिरी ये हाईटेक देखेंगे, इसके बाद हत्या आई, लेकिन किसी भी हालत में इधर है ये पक्का हुआ है, इसीलिए जो यहाँ की स्कूल को छुट्टी दी है, लेकिन ऑनलाइन स्कूल शुरू है, लोगों को भी दोनों तरफ रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि जो तेंदुआ है वो बड़ा है, इतने दिन था डाउट था लेकिन अभी पक्का है, इसीलिए हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ रास्ते बंद करके पुलिस रंधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी लोग यहाँ लगाए हुए, जब तक मिलता नहीं तब तक हम लोग छू बैठे। ये आपके हिसाब से कब से रहा होगा सर, ये क्या इसके तल्लुक से कुछ आपको? नहीं, बहुत लोग क्या क्या अपना अपना राय, ये तो मिलती, एक तो लड़का इधर अंदर की बात कर रहा है कि दो साल पहले मैं छोटा बच्चा देखा तो बड़ा हुआ उन्हें जंगल में, तो दो साल चार साल के अंदर इतना बड़ा कैसा होगा, यूं भी समझ ये फिल्मी स्टोरी लग रही है, फिल्मी स्टोरी लग रही है। दूसरे थोड़े लोग बोल रहे हैं ये बच्चे हैं अंदर उसके, लेकिन फॉरेस्ट वाले बोलते हैं ये मेल है, इसीलिए ये अफवाहें हैं सर, बहुत सुनी हुई बात है, इसको भरोसा मत रखो, लेकिन तेंदुआ है सच है, और उसको पकड़ने के लिए दो चीज है, वो तेंदुओं को भी तकलीफ नहीं होना और हमारी जनता को भी कुछ नहीं होना, इसके बीच में से रास्ता निकाल के हम लोग ढूंढ रहे हैं। आज आपको लगता है सर शाम तक कुछ भी, शाम तक कुछ इसका हल निकलेगा? आपको भी नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं, सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इधर स्कूल है, छोटे बच्चे यहाँ घूमते, इसीलिए हमको ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही टेंशन है। हम लोग बड़े लोग क्या तो एडजस्ट करके जाएंगे, लेकिन बच्चा बिच्चा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले लोग भी उसके सर 20 दिन से ज़्यादा वक्त गुजरा, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, एक खुशकिस्मती है, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर उसकी? कुछ होने को देते ही नहीं, नहीं अगर मान लो कि अब तक तो नहीं मिला, नहीं 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो अभी तो क्या, और वो प्यारा है, अच्छा इतना प्यारा है कि वो लोग देख के भी आराम से अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं करे। ऐसे भी इधर बात हो रही है कैंटोनमेंट के, सुनो कैंटोनमेंट के अंदर एक छोटा बच्चा था बोला आया था, बोला वो घर में रखने के बाद थोड़े दिन वो एकदम आरोपण हो गया, उसको पालने ने वो इसको इधर ला के छोड़ा, बोलता इसीलिए बड़ा हो गया इधर, अभी यहाँ आने के बाद बड़े बड़े स्टोरी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा, लेकिन आपने भी देखा, फिर भी बेलगाम की हवा उसको रास आई सर, हवा तो बेलगाम की सबको रास आती है, उसके साथ हम दुनिया को रास है क्या करने का, अब यहाँ की ये कितना 100 acres उतना ही है, इतने इलाके में आराम से आराम से खाना पीना मस्त। नहीं बेलगाम की खासियत है सर, यहाँ जो भी आता है वो यहाँ बस जाता है, उसको इसीलिए उसको भी तकलीफ नहीं होना, देखो वो क्या हमारे लिए हल्ला करने को नहीं आ रहा, वो अपनी मजबूरी से आ रहेगा, लेकिन उसको पकड़ के लेके जाना है, उसको कोई भी किसी भी हालत में इंजुरी नहीं हो, ये भी हम देखते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद अलकमा है, हम यहाँ पे मुदस्सर तेरनीकर और नवीद भाई
और थोड़े कोई साथी थे, तो हम लोग कल मिल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पृथ्वी सर के साथ और जो HERF की टीम है इनके साथ हम लोग अंदर गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो काफ़ी घने जंगल में हम लोग ने सर्च करने की कोशिश की, कुत्तों के पीछे पीछे थे हम लोग, लेकिन वो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है उस जगह पर। बट आज का जो फॉरेस्ट का प्लान है, तो पहले तो ड्रोन के साथ अंदर जाएंगे, ड्रोन के साथ अगर वो कैप्चर हो जाता है तो वहाँ से वो ट्रैंक्विलाइजर से या फिर डार्ट गन से उसको शूट करके वहाँ पे उसको बेहोश कर देंगे। अगर ये प्लान सक्सेस नहीं होता है तो दूसरा क्या गया है कि वो जो चिकन का जो गंदा होता है वो मंगाया गया है, तो उसको ट्रैप करके हम लोग पूरे जंगल में घुमाने वाले हैं अगर ये पहला प्लान सक्सेस नहीं होता। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पहला प्लान सक्सेस हो जाए, इसी में रेस्क्यू मिल जाए, तो ये वाला काफ़ी लंबा प्रोसेस है। क्योंकि ड्रोन का भी मसला ऐसे है, क्योंकि जब ऊपर से चलाएंगे तो एक लेवल दिखेगा वो ग्रीनरी का, तो पूरा अंदर तक जाने के लिए ड्रोन की वैसी हीट सेंसिटिव मोशन होना चाहिए। अगर वो इसमें हो गया तो दूसरे प्लान के एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा है तो हमारे पास वो ऑपरेशन भी रेडी है, जहाँ पे हम लोग वो थैली में गंदा डाल के पूरे जंगल में फिराएंगे और उसका पानी जैसे जैसे आएगा तो हो सकता है कि चीते को ट्रैक भी मिल जाए, तो फिर एक जगह पे उसको स्पॉट करके वहाँ से हम लोग शूट करने की एक कोशिश रहेगी। तो मतलब कि डार्ट गन, डार्ट गन से शूट करने की कोशिश रहेगी। तो अब वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ओके, चल रहा है आवाम में तो डर खौफ का मामला, लेकिन कुछ तंजीमें भी यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रही है। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन भी इसमें पेश रहा है, तो हमारे साथ पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। सिंह साहब, आप यहाँ शुरुआत से रहे थे, ये आपने 20 दिन का वार्ता जो गुजरा है और अभी हाल में जब कल दो बार वो नजर आए आवाम, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और अब कब तक पकड़ेंगे? अभी MLA साहब के साथ भी क्या बताइए। जैसे कि कल हम लोग थे साथ में, हमारे शहर के जो DCP लेंटो गढ़ादी साहब और फॉरेस्ट के जो जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी इस मुहिम में तेज़ी का माहौल अभी मुझे दिखने को आ रहा है 2-3 दिनों से। इसके पहले तो थोड़ा जैसे कि धीरे धीरे साइकिल जैसे चलती थी वैसे चल रहा था ये मामला, लेकिन अभी ये 2-3 दिन से जब से पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करने का फैसला किया तब से ये काफ़ी तेज़ी ला रहा है। और हम DCP साहब को जो शहर का एलेंट तो साहब है जो शहर का भी संभाल रहे हैं और साथ में चीते को भी पकड़ने का काम, तेंदुओं को भी पकड़ने का काम भी उन्होंने ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन कल जो उन्होंने DCP साहब ने जो एक RR टीम, हमारे एक फ्रेंड है उनका नाम है रॉस्टिन जर्विस, उसको बेंगलोर से बुलाया है। वो एस्ट्रोनॉट है, वो इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमिक इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, सॉरी मैं उसको प्रोनाउंस बराबर से नहीं कर पाया, वो एरोनॉटिक इंजीनियर है। और जो उनके पास जो कैमरा है वो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से आप खड़े होके अगर ये ऐसे जंगल है तो जंगल की तरफ आप उस कैमरे को घुमाएंगे तो उधर जो पड़ा हुआ स्कल होता है जिसका आदमी का जो बॉडी जो हड्डियाँ दिखती है वहाँ तक वो नज़र आता है। तो इस युद्ध स्तर पे इस तेंदुए को पकड़ने का काम चालू है। कल कुत्ते भी मंगाए थे हम लोगों ने, हुक्केरी से हमारे दिलीप सर ने वहाँ से कुत्ते मंगाए थे और उसके बाद में आज हमारे उत्तर के MLA बिनके साहब ने शिमोगा से 2 हाथी मंगाने का भी काम किया हुआ है। आज शाम तक वो आ जाएंगे, कल से फिर वो हाथी भी अंदर जाएंगे, उनके ऊपर डार्ट गन लेकर जो फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं वो लोग भी जाएंगे। हम उसके साथ साथ में जो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स है जिसको पानी की सुविधा और ये रेस्क्यू टीम है हमारे दफेदार साहब, ये पहले दिन से हमारे साथ है हमारी मतलब कि सुरक्षा के लिए, और बाकी का जो पानी वगैरह है अगर या पुलाव वगैरह या कुछ भी है तो हम इमीडिएटली इन लोगों को ये कर रहे हैं। और कल हम साथ में 2-3 दिन पहले भी गए थे और कल साथ में हमने थोड़ा सर के साथ गए थे, हम लोग अंदर गए और पूरी जिप्स वगैरह जो रेस्क्यू टीम की आई थी वो भी अंदर गई थी। काफ़ी युद्ध स्तर पे चल रहा है काम, लेकिन अभी तक ये है हमको विश्वास है कि वो किसी के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और हमला नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक 18 दिन से कोई ऐसी शिकायत का मामला तो आया नहीं है और भगवान करे कि ऐसा कुछ हो ना और जल्द से जल्द वो जो तेंदुआ है वो पकड़ा जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ।